गुड मॉर्निंग दोस्तों, कुछ प्लांट मैं कलेक्ट करके लाया था कल, और एक्चुअली थोड़ा सा लेट हो गया है, बट फिर भी मैं ले आया क्योंकि मानसून का टाइम निकलने वाला है और काफ़ी बारिश कम हो गई, बट पिछले दो दिन से हो रही थी, इसलिए मैं कुछ प्लांट कलेक्ट करके ले आया। अब इनके लाने का एक पर्पज़ ये है कि एक्चुअली इस सीज़न में मैंने सोचा था कि काफ़ी सारे प्लांट इकट्ठे करूँगा, बट बीच में टाइम नहीं मिलने से मैं प्लांट कलेक्ट नहीं कर पाया। तो कल मैं कुछ गया था नर्सरी में, कुछ दो तीन नर्सरियाँ जा के आया, तो उनमें कुछ प्लांट मुझे जच गए थे और कुछ इवन रेट थोड़ी कईयों की ज़्यादा थी, कईयों की नॉर्मल थी, तो मुझे पसंद आ गए और मैं ले आया, तो मैं सोचा आप लोगों से शेयर करूं। तो सबसे पहले ये प्लांट है, और ये शायद आप लोगों ने देखा होगा, हर जगह मिल जाता है। इसका क्रंच नाम बताया, एग्जैक्ट नाम मुझे पता नहीं है, प्लांट काफ़ी बार देखा है, बट ये प्लांट एक्चुअली मुझे 100 रुपीज़ में मिला है। मैं जो प्लांट कलेक्शन करता हूँ नॉर्मली बोनसाई के लिए करता हूँ, और कुछ दूसरी बात उसमें वेराइट थोड़ा डिफरेंट हो तो और भी अच्छा है। तो जैसे कुछ प्लांट जैसे फाइकस के मेरे पास काफ़ी हैं, बट दूसरे जो प्लांट नहीं है, इवन वो कई बार अच्छे प्लांट नहीं मिलते फिर भी मैं कलेक्ट करता हूँ, बट ये ठीक ठाक प्लांट था, और ये काफ़ी हैवी ट्रंक था, और ऊपर से भी देखने में काफ़ी ग्रीन इसकी लीव्स होती हैं, और इसलिए मैंने ये डिसाइड किया कि ये वाला प्लांट में, ये काफ़ी हेल्दी प्लांट है, और ये नॉर्मली रोड के किनारे अपन कई जगह पर देखते हैं, इसमें भी फ्लावर्स आते हैं, तो मैंने सोचा कि यार ये अच्छा प्लांट है, यदि इसको मैं ठीक से लगा पाया और हेल्दी प्लांट था इसलिए मैंने इसको ले लिया। तो ये 100 रुपीज़ में ये प्लांट लिया था, तो आज ज़्यादा वीडियो नहीं खींचूंगा एक्चुअली। और एक दूसरा मैंने उसी नर्सरी से, ये एक सप्तेडिया का प्लांट था, ये थोड़ा सा एक्चुअली ट्रंक तो काफ़ी अच्छा है इसका, हैवी ट्रंक है, बट इसके भी फ्लावरिंग होती है, ये मतलब कुछ पिंक, ये बड़ा प्लांट होता है, और मैंने जब उसने, मैं पहली बार नाम सुन रहा था इसका, सप्तेडिया या कुछ नाम करके, और जब मैंने गूगल पे सर्च किया तो इसका वो मिला मुझे। अब इसमें एक प्रॉब्लम यही है कि ये प्लांट थोड़ा हैवी है, बट इसमें ये जो है ये थोड़ा सा काफ़ी पुराना लग रहा है, अब ये कन्वर्ट कर पाऊँगा तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, 100 रुपीज़ का है ये भी, बट अदरवाइज़ इसके बड़े प्लांट 500 रुपये में थे, ये टूटा हुआ था इसलिए मैंने इसको ले लिया, बट इसमें यहाँ पे ये काफ़ी वो हो चुकी है, इसमें कुछ दीमक टाइप की लग चुकी है, तो इसलिए इसको बचाना भी है और उसके बाद में इसको ग्रो करना है। तो ये एक प्लांट है, दो प्लांट मैंने कलेक्ट किए 100 रुपीज़ में उसी नर्सरी से, दूसरी उसी नर्सरी से एक मैं ये तेज पत्ता का प्लांट ले आया, ये ऐसे ही थोड़ा शौक के लिए, ये बोनसाई पर्पज़ का नहीं है। उसके बाद में दूसरी नर्सरी से मैंने जो प्लांट कलेक्ट किए वो मैं आपको दिखाता हूँ। एक ही आम ख़रीदा था मैंने, और नॉर्मली आम का कोई अच्छा शेप नहीं रहता तो मैं ख़रीदता नहीं हूँ, तो ये 50 रुपीज़ में मुझे दे रहा था, इसमें थोड़ा सा ये रूट्स का थोड़ा अच्छा है बैंड था, इसलिए मैंने 50 रुपीज़ में ले लिया। अच्छा, ये सेम नर्सरी से लिया, सॉरी, ये इसी नर्सरी में लिया जिसमें ये दोनों प्लांट लिए थे, उसी नर्सरी में 4 प्लांट मैंने, और दूसरा ये तेज़ पत्ता में आपको मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, हमेशा इसकी लीफ को आप देखेंगे तो थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा, ये देखिए सबकी लीफ में जो लाइनें रहती हैं वो साइड में ऐसे क्रॉस ऐसे रहेंगी, पर इसमें लंबी रहती है, बीच वाली लाइन और साइड वाली लाइन जो है लंबी रहती है, ये तेज पत्ता का पत्ता है, ऐसे ही उसमें एक दो प्लांट और हैं उनमें रहती है, किसी में रहती है, बाकी सब में आपको आम में भी देखेंगे तो ये बीच वाली एक लाइन रहती है, उसके साइड में ऐसे रहता है। तो और फिर मैं दूसरी नर्सरी में गया, उसमें मुझे 100 रुपीज़ का ये वाला प्लांट मिला। काफ़ी लोग पूछते रहते हैं कि आम का आप बोनसाई क्यों नहीं बनाते, तो मैंने सोचा एक ले आते हैं, ट्राई करते हैं, मैंने कोई मतलब ऐसा खास मुझे लगता नहीं कि आम का बोनसाई बनाए या ऐसा, बट ये काफ़ी अच्छा था और 100 रुपीज़ तो ये प्लांट लिया था, बट काफ़ी ठीक लग रहा था इसलिए 100 रुपीज़ में मैंने कहा ठीक है चलो एक ट्राई करते हैं, इसलिए ये दो आम के पेड़ इस बार मैं ले आया पहली बार, और इसका ठीक ठाक है, मतलब ये ग्राफ्टेड है, अम्रपाली कुछ बता रहा था, मुझे कुछ आम के बारे में ज़्यादा आइडिया नहीं है, राजस्थान में आम कम ही होते हैं, कुछ कुछ एरिया में होते हैं, तो ले आया, चलो चलेगा या नहीं चलेगा पता नहीं है, कुछ डिफरेंट प्लांट के पर्पज़ से लाया हूँ, ज़्यादा इसमें फीचर्स मुझे अच्छे लग नहीं रहे, बट इसी नर्सरी में 2-3 प्लांट मुझे और अच्छे मिल गए। ये देखिए एक ये हेबिकस का प्लांट 40 रुपीज़ में मैं लेके आया था, तो मैंने सोचा या तो इसकी कटिंग तो लगा ही लूँगा, कटिंग नहीं होगी तो, और इसका इसमें एक्चुअली वो फ्लावर्स नहीं है, बट इसके जो मैंने फ्लावर्स देखे थे वो कुछ डिफरेंट थे, मतलब पिंक में थोड़े अलग टाइप के थे, वैसे मेरे पास हेबिकस नहीं था वैसे वाला,
तो ये एक्चुअली मैंने सारे प्लांटों की अच्छी खासी कलेक्शन कर रखी है, जैसे जेड की कर रखी है और बोगनविला की कर रखी है। तो ये हिबिस्कस की भी अभी मेरे पास 5-6 प्लांट हो गए हैं, तो मैंने सोचा थोड़ा डिफरेंट कलर का लेके आएंगे। तो ये 40 रुपीज़ में ये वाला प्लांट और एक प्लांट और है इसमें, ये वाला, ये 40 रुपीज़ में ये प्लांट मैंने लिए थे। काफ़ी बड़े प्लांट हैं, ये देखिए काफ़ी बड़ा प्लांट है, बट इसमें थोड़ा ये डिफरेंट कलर का मुझे ये लगा, इसलिए मैंने ले लिया था। ये देखिए ये बड़ा फ्लावर है इसमें, अभी किसका उड़ेल जिसे बोलते हैं। तो इसकी कटिंग ट्राई कर लेंगे, कटिंग लगेगी तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। एक्चुअली मैं तो बोनसाई के लिए ज़्यादा कलेक्ट करता हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादातर चीज़ों गमलों में रखता हूँ, और उसके बाद में मुझे ये एक चंपा का रेड फ्लावर वाला करके दिया है, इसमें आया हुआ नहीं था, बड़ा प्लांट वो महंगा दे रहा था, ये 20 रुपये मुझे दिया है, मैंने सोचा ले लेते हैं, चलो लगे या नहीं लगे कोई बात नहीं। ये वाला एक लिया था, एक ये कुड़ी कुड़ी चंपा ये करके दिया था, इसमें फ्लावर्स थोड़े डिफरेंट टाइप के होते हैं, चंपा ही है दूसरे टाइप का है, ये भी 15-20 रुपये में दिया, तो इसलिए मैंने ले लिया। फिर एक मैंने ये प्लांट लिया था, अब देखिए इसकी कुछ खास बात है इसमें, ये कर्व में है और कर्व में आके आगे आके ये ऊपर की तरफ जा रहा है। ये बोगनविला का प्लांट है, बट काफ़ी अच्छी शेप थी, 40 रुपीज़ में उसने मुझे दिया, और ये दिया और एक और अच्छा 40 रुपीज़ में दिया, मैं आपको दिखाता हूँ अभी। तो काफ़ी अच्छा मुझे ऐसा लग रहा है, यदि मैं बोनसाई बनाऊँगा तो इसको, क्योंकि इसकी जो शेप है ना वो काफ़ी डिफरेंट है, पहले भी मैं एक दो डिफरेंट उसी नर्सरी से ला चुका हूँ, अब यदि मैं इसको आगे वाले पोर्शन पे थोड़ा सा रखूँ पत्ते और ये सब हटा दूँ तो काफ़ी ठीक लगेगा, ये एक लंबे से उसमें लगा के। तो ये थोड़ी सी हालांकि मुझे लेट हो गई है, इनको थोड़ा पहले लाना चाहिए था जुलाई में, बट अभी ले आए तो कोई बात नहीं। इसके साथ ही एक ये वाला भी मुझे दिया उन्होंने फ्री में, क्योंकि इसकी वो निकालते वक्त नीचे से टूट गया था, तो 2 या 3 रूट्स हैं इसमें, ज़्यादा नहीं है, लगेगा तो ग्रोथ करेगा तो ठीक है, अदरवाइज कोई बात नहीं। और इसी के साथ एक 40 रुपीज़ का, मतलब 40-40 का दो लेके आया था, ये देखिए ये वाला ये प्लांट लेके आया था, ये भी है बिकस इसका बोगनविला का प्लांट है 40 रुपीज़ में, ये भी काफ़ी ज़मीन में जाता हुआ था इसलिए उसने फिर निकाल के दिया, पर ये थोड़ा मोटा था इसलिए मैं ले आया। नॉर्मली मैं थोड़ा सा थिक ट्रंक वाला लेके आता हूँ, 40 रुपीज़ में ये प्लांट मुझे मिला है। अब जो सबसे शानदार कल के कलेक्शन का एक जो हिस्सा है वो है ये, इसको पिलखंड बोल दो या कौन सा प्लांट बोल दो, ये सबसे अच्छा प्लांट तो लेके आया कल, ये वाला काफ़ी हेल्दी प्लांट था, 150 रुपीज़ में मुझे दिया गया है, पर इसमें नीचे आप देखेंगे तो ये देखिए काफ़ी इसकी रूट्स अट्रैक्टिव रूट्स हैं, और इसका ये ट्रंक अट्रैक्टिव है, और सबसे बड़ी बात ये है कि सारा का सारा इतने से पोट में है, तो मैं अभी भी इसको चाहूँ तो अच्छे छोटे से छोटे उसमें शिफ्ट कर सकता हूँ, और इसकी सिंपल यहाँ से मैं कहीं से इसको कट करूँगा, ऊपर वाले पोर्शन जो है वो मैं इसको एयर लेयरिंग के या उससे दूसरे वो बनाऊँगा, बट इसका मेन पर्पज़ मैं इसकी ये जो ये ट्रंक है, ट्रंक क्या इसकी रूट्स जो हैं वो देख के लेके आया हूँ, और इसके मेरे पास कलेक्शन कम ही है इसलिए मैं ये ले आया। ये फाइकस की एक वैरायटी है,